नमस्कार, फरीदाबाद में किशोर शर्मा और सिंधुदुर्ग बिहार पहुंचे हैं विजय प्रताप। ये देखिए, जोरदार स्वागत, जबरदस्त स्वागत विजय प्रताप का। लोगों का अभिवादन स्वीकार। लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गए। आज जो ये जिंदाबाद के नारे हैं, ये इसी वजह से हैं। उनको एक आस जगी है मन में, चाहते हैं देखिए बर्बाद कर दिया इलाका, स्लम की समस्याएं शहर में पहुंचा दी जी। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जी, समस्याएं समस्याएं हैं। लोग आज है कांग्रेस से, और हमारा परिवार जो लगातार जुड़ा रहा है लोगों के साथ जी। लोगों को भरोसा है कि इस योजना में हम काम करेंगे, पहले भी हमने किए। एक उम्मीद है लोगों को विजय प्रताप, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये खरे उतर पाएगी उम्मीद? बिल्कुल उतरेगी, बिल्कुल। विजय प्रताप जी, इतनी समस्या है बढ़कर विधानसभा में, कैसे 3 महीने में हल कर पाएंगे? कर देंगे भाई साहब, इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, ये कर देंगे। 3 महीने में नरक निकाल देंगे। इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, 3 महीने में जो है नरक से लोगों को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। विजय प्रताप यहाँ पर पहुँच चुके हैं शिवदुर्गा बिहार में। भाई विजय प्रताप, भाई विजय प्रताप, भाई विजय प्रताप। मेरी मातृशक्ति और मेरे साथियों भद्र पुरुषों, आपके बीच में आपका विश्वास पात्र चहेता और जिस पे हम अपेक्षा रख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, वो भाई आपके बीच में आ चुका है। और जैसा उसका नाम है विधानसभा क्षेत्र, ऐसा ही उसके प्यार में पहुंचे हैं विजय प्रताप। जबरदस्त स्वागत, जोरदार उत्साह है यहाँ पर लोगों में, आप देख सकते हैं। और 3 महीने में लोगों को इस नरक से मुक्ति दिलाने का वादा यहाँ पर कर रहे हैं। शिवदुर्गा बिहार में जबरदस्त स्वागत विजय प्रताप का, ये देख सकते हैं फरीदाबाद। और हमारे बीच में एक उनके सभासद अजय भंडाना, वो भी बहुत कर्मठशील युवक है, इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। अजय भंडाना उनके साथ हैं हमारे बीच में, और ये देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, महिलाएं ये देख सकते हैं खड़े मिलते हैं, और भाई सभी अनेक अनेक हाँ जी, क्या कहेंगे क्या इस बार विजय भाई को यहाँ से जिता के भेजना है जी, पक्का कांग्रेस जीत के जाएगी। तो आप क्यों विजय को क्यों जिताना? काम करते हैं 10 साल बीजेपी का सरकार की कुछ हुआ ही नहीं है, सम्मिलित हो जाएंगे, अब होगा, विजय भाई जीतेंगे तो होगा 101% का। पहले काम नहीं हुए हाँ जी, बीजेपी में काम नहीं हुए? नहीं, बीजेपी कोई काम नहीं करा 10 साल से। अंकल जी काम नहीं हुए? हाँ जी, 10 साल में काम नहीं हुए? 10 साल में बिल्कुल काम नहीं है, लोग बहुत परेशान रहे, और पानी जगह जगह खड्डों में भरा है, नाली में भरा है, नाले में भरा है, और इतने परेशान हैं। और रेलवे फाटक पर कम से कम 300-400 आदमी मर जाता है एक साल में, उसका भी कोई इंतजाम नहीं हुआ। मैं जैन सिंह, RWA रेलवे गार्ड कॉलोनी से बोल रहा हूँ। अब विजय प्रताप से उम्मीद है? विजय प्रताप बिल्कुल ही जीतेंगे, इनको कोई हराने वाला नहीं है, इसके इनके साथ कोई सामने नहीं है, और हमारा बिल्कुल सहयोग है। और थोड़ी सी बात बताऊंगा तो अभी मैं बोलूंगा इन्होंने क्या किया है। ये देख सकते हैं विजय प्रताप को पूरी तरह से जिताने का यहाँ पर लोग प्रण ले रहे हैं। हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, काफी बड़ी संख्या में बहुत लोग, बड़ी संख्या में यहाँ पर एक सभा में, एक जनसभा में उपस्थित हुए हैं लोग। जब बारिश होती है कितना पानी भर जाता है कि रास्ते में निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और हालात हमने दिखाई आपको शिवदुर्गा बिहार के, कितने बुरे हालात हैं, नाला बिल्कुल ओवर हुआ है, भरा हुआ है पूरा। और ये देश एक बार लोगों में उत्साह है कांग्रेस के लिए, विजय प्रताप के लिए जबरदस्त उत्साह, जोरदार उत्साह। तो फरीदाबाद प्रोग्राम आगे की ओर बढ़ रहा है, और अभी आपको पुनः जोड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा